बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर रेखा है। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आई हूँ, ये आपका बीएड सेकंड ईयर के पेपर से लिया गया है, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल। और इसमें आज हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोऑपरेटिव मतलब सभी के कोऑपरेशन से। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है कि इस लर्निंग में होता है कि जो टीचर है वो क्या करता है कि अपने ही क्लास में अपने बच्चों के कुछ ग्रुप्स बनाता है और ग्रुप्स बनाकर उनको पढ़ने के लिए कहता है या कोई भी टास्क देता है कि उस टास्क को बच्चे ग्रुप में कंप्लीट करते हैं, कोऑपरेशन के साथ कंप्लीट करते हैं। और अगर हम बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन की, समेकित शिक्षा की, तो कोऑपरेटिव लर्निंग सबसे ज्यादा जरूरी है समेकित शिक्षा के लिए, इंक्लूजन एजुकेशन के लिए। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली स्पेशल स्कूल से आते हैं, जो बाद में इंक्लूजन के लिए नॉर्मल स्कूल में आते हैं, तो उनके लिए सबसे जरूरी है कि उनके साथ कोऑपरेट किया जाए, उनके साथ कोऑपरेटिव लर्निंग से कार्य किया जाए, ताकि वो बच्चे भी सोशल स्किल्स को सीख सके। क्योंकि हर बच्चे में अपना एक यूनिक टैलेंट होता है, हर बच्चा यूनिक अपनी तरह से यूनिक होता है और हर बच्चे में कुछ ना कुछ खास होता है। तो हम बात करते हैं कि उस खास चीज को निकालने के लिए क्या जरूरी है, कोऑपरेटिव लर्निंग जरूरी है। कई बार क्या है कि बच्चा टीचर के सामने हेजिटेशन करता है, बोल नहीं पाता या बहुत सारी चीजों में पूछ नहीं पाता, लेकिन अगर उसका अपना ग्रुप बना हुआ है, अपने ही साथी हैं उसके अपने ग्रुप में, तो वहां पर उसको झिझक महसूस नहीं होती और वो उसमें अगर किसी भी चीज के प्रति कोई संशय है तो संशय भी नहीं होता। तो बच्चे अपने सारे डाउट्स की क्लैरिटी कर लेते हैं, मिलकर काम करना सीखते हैं, हीन भावना नहीं आती और ऊंच नीच का भी किसी तरह का भेदभाव उसमें नहीं होता। तो आइए बात करते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है और इसको किस तरह से कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है बच्चे, सबसे पहले कोऑपरेटिव लर्निंग की करैक्टरिस्टिक्स की बात करें कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली विशेषता है आस्क क्वेश्चंस। इसमें क्या है, जो बच्चे हैं, जो इस तरह से बच्चे हैं, जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, स्पेशल बच्चे हैं और नॉर्मल बच्चे हैं, जैसे आपको सभी को बताया कि ये हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के रिगार्डिंग, तो उसमें नॉर्मल बच्चे भी आएंगे और उसमें डिसेबल्ड बच्चे भी आएंगे। तो सभी तरह से के बच्चे एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं और अपनी क्यूरीज को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज गिविंग सजेशंस। गिविंग सजेशंस, अगर आपके ग्रुप में पांच बच्चे हैं तो पांच तरह के सजेशंस आपके पास आएंगे काम करने के लिए, तो उसमें वो अपना सजेशन भी फ्रीली दे सकते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज सोशल स्किल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बच्चे ऐसे स्कूल से आए हैं, सपोज कीजिए कि स्पेशल स्कूल से बच्चे आए हैं, सपोज कीजिए कि वो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, तो उनके अंदर सोशल स्किल्स को उभारना या सोशल स्किल्स को डेवलप करना सबसे जरूरी टास्क है एक टीचर के लिए। तो इसके द्वारा सोशल स्किल जो है वो बच्चों में डेवलप हो जाती है, ये मेन करेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट इज एनहांस वर्क। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जितनी भी वर्क है, एनहांस वर्क का मतलब है कि उसकी उनके जो काम करने की क्षमता है, जो उनकी वर्केबिलिटी है, वो बढ़ जाती है अगर वो एक ग्रुप में काम करते हैं। नेक्स्ट इज गुड मैनर्स। बच्चे बहुत सारी अच्छी आदतें सीखते हैं, बहुत सारी अच्छी आदतें सीखते हैं। ये जरूरी नहीं कि, चलो कई बार बच्चा बुरी आदत भी सीख जाता है, लेकिन वो टीचर को चाहिए कि बच्चों पे ऑब्जर्वेशन करे, उन पर ऑब्जर्वेशन रखे, ताकि बच्चे गुड मैनर्स को ही अडॉप्ट करें। नेक्स्ट इज लर्न टू टेक स्टैंड। और इसके बाद जब बच्चे ग्रुप में काम करते हैं तो उनको एक डिसीजन लेना आ जाता है, वो मिलकर उनके अंदर एक डिसीसिव एबिलिटी आ जाती है, डिसीजन मेकिंग योग्यता जो है, एबिलिटी जो है, वो ऐसे बच्चों में अपने आप ही आ जाती है अगर वो कोऑपरेशन के साथ कोऑपरेटिव लर्निंग में काम करते हैं। तो ये सारे थे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। करेक्टरिस्टिक्स के बाद हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, कि कितनी तरह की कोऑपरेटिव लर्निंग है, कौन कौन से टाइप्स हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के, आइए उन पर नजर डालते हैं। तो फर्स्ट टाइप है फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग। फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग, व्हाट इज फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग? फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग होती है जब टीचर क्या करता है कि अपने ही कक्षा के बच्चों का, मान लो 30 स्टूडेंट्स हैं,
ठीक है, तो वो क्या करता है, छह ग्रुप बना देता है पांच पांच बच्चों के, या छह छह बच्चों के ग्रुप बना देता है, ठीक है। और ग्रुप बनाने के बाद बच्चों को एक टास्क दिया जाता है, चाहे तो उनको एक यूनिट दी जाती है कि आपने ये यूनिट कंप्लीट करनी है, चाहे फिर उनको एक कोई भी प्रोजेक्ट दे दिया जाता है कि आपने यूनिटी के साथ इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। पांच पांच बच्चों को अलग अलग प्रोजेक्ट्स दे दिए जाते हैं और बच्चे अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं। दैट इज फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग। इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें एक स्मॉल ग्रुप होता है बच्चों का, दो या तीन बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है। और इनफॉर्मल इसलिए क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट टाइम होता है जो ये ग्रुप बनाया जाता है। इनफॉर्मल लर्निंग में, इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग में ये एक लंबे समय तक ग्रुप नहीं चलता, एक शॉर्ट स्पैन के लिए, छोटे समय के लिए ये ग्रुप बनाया जाता है। और इसी तरह से कोई भी टास्क या कोई भी एक्टिविटी जो है वो करने के लिए दे दी जाती है। और इनफॉर्मल इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें बहुत अधिक प्लानिंग भी नहीं की जाती कई बार। अब इसमें फॉर्मल में क्या है, टीचर के द्वारा प्लान आउट किया जाएगा कि कौन सी यूनिट देनी है बच्चों को या कौन सा टास्क देना है कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इनफॉर्मल में क्या है कि कोई भी छोटा सा काम, मतलब बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ इसमें इनफॉर्मल में जरूरत नहीं होती, तो इसलिए इसको इनफॉर्मल कहा गया है। नेक्स्ट इज ग्रुप बेस्ड कोऑपरेटिव लर्निंग। व्हाट इज ग्रुप बेस्ड कोऑपरेटिव लर्निंग? जैसे हमने कहा कि इनफॉर्मल में फॉर अ शॉर्ट टाइम और फॉर अ शॉर्ट टाइमिंग ये चीज होती है, लेकिन ग्रुप जो है, ग्रुप लर्निंग, ग्रुप बेस्ड लर्निंग में क्या होता है कि या तो पूरे सेमेस्टर के लिए या फिर पूरे ईयर के लिए बच्चों के ग्रुप बना दिए जाते हैं। बच्चों के पांच या छह छह स्टूडेंट्स के, पांच पांच स्टूडेंट्स के ग्रुप बना दिए जाते हैं। वो ईयरली मैंने आपको कहा, वो सेमेस्टर वाइज भी हो सकते हैं, यानी कि पूरे लंबे समय तक वो ग्रुप चलते हैं, और वो ईयरली भी हो सकते हैं, यानी कि पूरे साल के लिए भी वो ग्रुप बनाए जा सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ग्रुप बेस्ड कोऑपरेटिव लर्निंग में हर पर्सन जो है वो जिम्मेदार होता है। कई बार क्या है, आफ्टर अ रोटेशन, एक रोटेशन के बाद टीचर जो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कई बार ग्रुप जो टीम का लीडर है टीचर उसको चेंज कर देते हैं कि आपके, आपकी अध्यक्षता में ये काम होंगे या आपने इन बच्चों से ये काम करवाने हैं। वो इसलिए किया जाता है ताकि सबको लीडरशिप की, जो लीडरशिप का है वो अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि सभी बच्चों की इक्वल ग्रोथ हो। तो ये टाइप्स थे कोऑपरेटिव लर्निंग के। ओके स्टूडेंट्स, देन वी विल टॉक अबाउट रोल ऑफ टीचर इन कोऑपरेटिव लर्निंग। व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर? टीचर को क्या भूमिका निभानी चाहिए, टीचर क्या कर सकता है कोऑपरेटिव लर्निंग के रिगार्डिंग? तो देखिए बात करते हैं। सबसे पहले टीचर के लिए जरूरी है कि हेट्रोजीनियस मल्टी एज ग्रुप। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, हेट्रोजीनियस एक अलग फैक्टर है और मल्टी एज एक अलग चीज है। तो हेट्रोजीनियस में क्या होता है, होमोजीनियस जो होंगे उनको हम कहते हैं कि सेम एज ग्रुप के होते हैं होमोजीनियस में। अब जैसे सारे सिक्स स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स होंगे या सारे एक ही ग्रुप के होंगे, एक ही एज के होंगे, उनको हम होमोजीनियस बोलते हैं। हेट्रोजीनियस मींस द स्टूडेंट्स हु आर ऑफ डिफरेंट एज, अलग अलग क्लास के भी हो सकते हैं, अलग अलग एज के भी हो सकते हैं, क्योंकि वो उनसे ज्यादा सीखेंगे, वो जल्दी सीखेंगे उनसे, अपने सीनियर से या फिर अपने छोटों से। तो जो ग्रुप है टीचर को वो हेट्रोजीनियस बनाना चाहिए। और मल्टी एज ग्रुप, मल्टी एज का मतलब है कि अलग अलग एज के बच्चे होने चाहिए। और इसी तरह से हेट्रोजीनियस भी हम क्या कहेंगे, और मल्टी टैलेंटेड इसको भी बोल सकते हैं ग्रुप को, कि उसमें अलग अलग टैलेंट के बच्चे होने चाहिए। जैसे कईयों की पेंटिंग बहुत अच्छी होती है, कुछ मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ साइंस में बहुत अच्छे होते हैं, तो जो कुछ ह्यूमैनिटी कोर्सेज में बहुत अच्छे होते हैं। तो इसी तरह से मल्टी एज के, मल्टी टैलेंटेड बच्चों को लेकर एक ग्रुप बनाया जाना चाहिए ताकि ग्रुप में पूरा बैलेंस बना रह सके। नेक्स्ट इज मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप। मिक्स्ड एबिलिटी, जैसे मैंने अभी बात की ना आपसे, तो वो मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप है कि हर एबिलिटी का बच्चा उसमें होना चाहिए, यानी कि किसी में कुछ खास है, दूसरे बच्चे में कुछ खास है, किसी की पेंटिंग बहुत अच्छी है, कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा है, कोई ड्राइंग में बहुत अच्छा है, ठीक है, किसी में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। तो ये चीजें, ये एक टीचर को चाहिए कि बच्चों को देखकर ही उसके ग्रुप बनाए, मिक्स ग्रुप जो है टीचर को तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग। अब टीचर ने ये देखना है कि उसमें हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देगा,
कि जो टास्क हमने दिया है उस टास्क को कंप्लीट करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो मेन तो हेड जो है वो टीचर ही है, वही देखेगा, वही ऑब्जर्व करेगा, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। लेकिन कई बार क्या है कि टीचर जो है वो एक हेड को चुनता है उन बच्चों में से ही कि आपने इस काम को देखना है, और थोड़े टाइम की रोटेशन के बाद, अब अगर हम बात करें कि ग्रुप बेस्ड लर्निंग, तो वो तो मैंने आपको कहा कि पूरे सेमेस्टर के लिए या पूरे ईयर के लिए बनती है, तो उसमें जो है हेडशिप जो है वो टीचर चेंज करता रहता है। जैसे हर एक को अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, कभी कोई बन रहा है तो कभी कोई बच्चा बन रहा है, तो दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक दोनों के लिए, अब जो स्टूडेंट्स हैं, अब टीचर क्या करता है, टीचर ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद टीचर जो है कोशिश होती है टीचर की कि बच्चों को पॉजिटिव फीडबैक दी जाए, और स्टूडेंट्स को भी जो उनको फीडबैक मिलती है उसको पॉजिटिवली ही लेना चाहिए। एक टीचर की कोई इलविल नहीं होती, कोई गलत इंटेंशन नहीं होती बच्चे के प्रति, लेकिन जो भी फीडबैक उस स्टूडेंट्स को दी जाती है, टेक इट पॉजिटिवली, उसको पॉजिटिवली ही लेना चाहिए। नेक्स्ट इज असिस्टेंस। तो असिस्टेंस की जो ड्यूटी है वो किसकी है, वो एक टीचर की है। अगर कहीं पर भी किसी भी तरह की बच्चों को प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो टीचर उन बच्चों को, उस पूरे ग्रुप को असिस्ट करता है। नेक्स्ट हम रोल ऑफ टीचर के बाद अब हम बात करते हैं गाइडलाइंस कि गाइडलाइंस क्या है उस ग्रुप के लिए, ठीक है, जो कि कोऑपरेटिव लर्निंग में इन्वॉल्व होने जा रहा है। और ये गाइडलाइन एक टीचर के द्वारा दी जाती है कि आपने किन किन चीजों को फॉलो करना है, क्या क्या करना है। तो मेनली गाइडलाइंस क्या है, सबसे पहला है प्रॉपर ग्रुप। प्रॉपर ग्रुप बनाए टीचर, मैंने आपको बताया था कि मिस एबिलिटी के बच्चे हों, उसके अंदर मल्टी टैलेंटेड बच्चे होने चाहिए, उसमें नॉर्मल स्टूडेंट्स भी हों, उसमें डिसेबल्ड भी हों, ठीक है। तो इस तरह के बच्चों का जो प्रॉपर ग्रुप है वो एक टीचर को तैयार करना चाहिए कॉपरेटिव लर्निंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इवैल्यूएट, कि टीचर को जब सारा टास्क कंप्लीट हो जाता है तो उसको इवैल्यूएट भी करना चाहिए, और प्रॉपरली इवैल्यूएट करना चाहिए एक टीचर को कि जो टास्क मैंने दिया था या जो यूनिट मैंने दी थी या जो भी कंप्लीशन के लिए बच्चों को बोला गया था, क्या उन्होंने प्रॉपर वे में उस चीज को कंप्लीट किया, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्मॉल साइज। अगर बहुत बड़े साइज का एक ग्रुप बना लेते हैं तो उसमें क्या है कि कंट्रोलिंग में प्रॉब्लम आती है, तो 5 या 6 बच्चों का एक ग्रुप बनाए, इससे ज्यादा ना बनाए, ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, कि उस जो ग्रुप टीचर बनाता है उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे मैंने कहा आपको कि कोई भी टास्क देता है, कोई भी यूनिट देता है, कोई भी प्रोजेक्ट टीचर देता है, तो उस प्रोजेक्ट को पूरा करना है, ये उस ग्रुप का ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव के बिना हम काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है हमारे हर कार्य के पीछे, तो यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मैंने आपको कहा था कि ऑलवेज टीचर डू द ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन बहुत क्लोजली भी ना हो कि बच्चे फ्रीली काम ना कर पाए। कई बार क्या है कि टीचर इतने क्लोज बच्चों की ऑब्जर्वेशन करते हैं कि बच्चे फ्री होकर काम नहीं कर पाते, और बहुत दूर से भी ना हो कि बच्चों के अंदर किसी भी तरह का कोई फियर ही ना हो कि हमें इस काम को कंप्लीट करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट देखिए चेंज इन लीडरशिप। अब एक टीचर को क्या चाहिए कि समय समय पर अपने जो लीडर उसने बनाया है, टीम लीडर, कोऑपरेटिव लर्निंग के टास्क के लिए जिस बच्चे को लीडर बनाया है, तो समय समय पर उसमें चेंज करते रहना चाहिए। नेक्स्ट इज फेसिंग ईच अदर। स्टूडेंट्स ऐसे बैठे हैं उनकी, ताकि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके, ताकि वो एक दूसरे को फेस कर सके, क्योंकि अगर आप एक दूसरे के अपोजिट बैठेंगे तो क्या होगा, वो फेस नहीं कर पाओगे, प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी। लेकिन इसमें आपकी पोजीशन भी जरूरी है कि किस पोजीशन में आप वहां पर बैठे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब लास्टली हम बात करते हैं अबाउट द गोल्स। व्हाट इज द गोल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग का गोल क्या है, तो हम गोल की अगर बात करें तो बहुत ही सिंपल गोल लेकर चली है कोऑपरेटिव लर्निंग, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंक्लूजन के मामले में या इंक्लूसिव एजुकेशन में, तो उसमें क्या है कि कोऑपरेटिव लर्निंग मस्ट है, क्योंकि वहां पर एक बच्चा जो है वो एक स्पेशल स्कूल से आया है, और वो स्पेशल स्कूल से आया हुआ बच्चा अपने आप को एडजस्ट इतनी जल्दी नहीं कर पाता। तो अगर सभी उसके साथ कोऑपरेट करेंगे और अगर कोऑपरेटिव लर्निंग से टीचर काम कराएगा, तो वो बच्चा और बच्चों से बहुत सारी लाइफ स्किल्स और सोशल स्किल जो है वो सीख जाएगा। तो इसका गोल देखते हैं कि गोल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है असिस्ट।
एक टीचर जो है वो अपने बच्चों को क्या करता है, असिस्ट करता है, वेयर एवर देयर इज रिक्वायर्ड, जहां पर भी जरूरत है वो अपने बच्चों को असिस्ट करता है। नेक्स्ट इज मोटिवेटेड लर्निंग। इस तरह की लर्निंग जो है वो मोटिवेट करती है हमें। अब सपोज करो ग्रुप में 5 या 6 मेंबर है, तो ये नहीं कि एक मेंबर ने अपना काम कंप्लीट कर लिया बाकी सब ऐसे बैठे हैं, नो। उसमें क्या है कि वो एक बच्चा ये देखेगा जिसका काम कंप्लीट हुआ है कि बाकी 5 बच्चों का हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो उसके साथ क्या करेगा, कोऑपरेट करेगा, उसको मोटिवेट करेगा कि इसमें भी मैंने इस टास्क को कंप्लीट किया है और तुम भी ये ट्रिक लगाकर या कोई भी काम करना चाहते हो तो इस तरह से आप इस काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज टू SEN। SEN का मतलब यहाँ पर क्या है कि अपॉर्चुनिटीज फॉर स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। अब जिन बच्चों की स्पेशल एजुकेशनल नीड है, SEN स्टूडेंट्स की जिनकी स्पेशल एजुकेशनल नीड है, उन बच्चों के लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि स्पेशल एजुकेशनल नीड्स वाले बच्चे जो हैं वो इतने फ्री नहीं हो पाते टीचर के सामने और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाते, वो अपने साथियों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज सोशल इंटरेक्शन। अब जैसे मैंने आपसे बात की कि ऐसा जो स्टूडेंट है, ठीक है, जिसमें हेजिटेशन है बहुत ज्यादा, ठीक है, अब तो वो बच्चा क्या सीखेगा, वो बच्चा यहाँ से सोशल इंटरेक्शन सीखेगा कि मैंने दूसरों से कैसे बात करनी है, कैसे काम के लिए कहना है, किस तरह से इंटरेक्शन करनी है, एवरीथिंग वो बच्चा वहां पर सीखेगा। नेक्स्ट इज अफेक्ट ऑल डोमेन। जितने भी हमारे डोमेन हैं, ठीक है, ठीक है, जैसे आपको पता है ना कि हमारे डोमेन कौन कौन से हैं, कॉग्निटिव डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है, तो तीनों डोमेन्स को जो है ये अफेक्ट करती है, यानी कि तीनों तरह की स्किल्स हमारे अंदर इम्प्रूव होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है टीम वर्क। तो इसका जो मेन गोल है कोऑपरेटिव लर्निंग का, तो दैट इज टीम वर्क, कि सभी को इकट्ठा मिला के एक क्लास को एक टीम के रूप में काम करवाना है, ठीक है, सभी के अंदर ये भावना पैदा करनी है कि जो ऐसे डिसेबल बच्चे हैं या फिर जो ऐसे बच्चे हैं जिनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स हैं जिन बच्चों की, कि वो बच्चे भी किसी से कम नहीं है, वो भी सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है और वो भी अपने जीवन में सोशल इंटरेक्शन कर सकते हैं, सोशल स्किल्स सीख सकते हैं और अपने जीवन में स्टैंड हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल इज रिगार्डिंग कोऑपरेटिव लर्निंग। थैंक यू।